गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री। ये कहां से प्रकाशित है? आओ जैन धर्म को जाने। लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री जम्बू द्वीप हस्तनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन जम्बू द्वीप हस्तनापुर मेरठ में उत्तर प्रदेश। और ये कहां से मुद्रित है? दिनेंद्र जैन न्यू रसेब ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ। फोन नंबर ये इतना इनका। इस पे आपको दिखाते हैं 293 पे चलते हैं। विशेष प्रकरण श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर पांच नाम हैं, वीर अतिवीर सन्मति महावीर एवं वर्धमान। अच्छा, यह प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी भील तकते न वैराग्य का पता नहीं भील था वहां से शुरू हुआ। पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? ये पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा झील की प्रिया से कहा गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। और फिर कहा आया? भरत चक्रवर्ती की रानी यानी दृश्यप देव के पुत्र भरत की पत्नी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। इस मारीची ने ऋषभ देव जी से नाम लिया था सबसे पहले, ये पहला चेला था। और इस युग आगे चलकर महावीर जैन हुई ये आत्मा। तो वेदों अनुसार साधना करने वाले वो ब्रह्म की साधना करने वाले के साथ के बीती ब्रह्म स्वर्ग में देव गया हुआ मारीची का शरीर छोड़कर। फिर कहां गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। ये गणा ना बताओ, यहां देखेंगे और सारा तोड़ पाट जाएगा। 295 पृष्ठ पे आओ जैन धर्म को जाने। महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया वो मारीची वाला। इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव बनया। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया? होय होय, अनेक भव शरीर धारण किए जो इस प्रकार है। 1000 वर्ष के भाव, आक वृक्ष के भाव शरीर आग जीवन, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले के केल वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव और 5,00,000,000 बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओय होय, 5,00,000,000 बार शिकारी के भाव शिकारी बिना, 20,00,000,000 बार हाथी के भाव, 60,00,000,000 बार गधे के भाव, ओय होय। अब गधा तो पुण्यात्माओं एक का गधे का तो एक का जीवन बतेरा, सारे ठाठ पाठ खत्म हो जाते इसमें। और 30,00,000,000 बार कुत्ता, ओ तेरा गजब भैया ए भगवान, 30,00,000,000 बार कुत्ता बनया, 60,00,000,000 बार नपुसंक, 20,00,000,000 बार स्त्री, 90,00,000,000 बार धोबी और 8,00,000,000 बार घोड़ा, 20,00,000,000 बार बिल्ली,
और 60 लाख बार गर्भपात किसे मरण और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। 80 लाख बार तो देवता बनया और ये देखो 60 करोड़ बार गदा ते कब तेरा बने हुआ आग लगे से स्वर्ग के देवता के पद को और 30 करोड़ बार कुत्ता सिर में कीड़े पड़े खाज लाग जाता के खानता अंडे ये तो एक का जीवन जुलम कर दे फिर के फूका इस 80 लाख बार के देव शरीर को पुनात्माओं आगे क्या हुआ वो फिर उपरोक्त बहु प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने और फिर भी भगवान महावीर जी पर्याप्त किस प्रिया को प्राप्त किया राज ग्रह नगर में सथा और नामक ब्राह्मण होया आगे बतावेंगे। फिर सातवां नरक में गया ओए सातवां नरक से कहां गया सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ और पुनः फिर पृथक प्रथम नरक में गया ओए प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहां गया आगे फिर हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ ऐसा हुआ फिर स्वर्ग में देव हुआ फिर क्या हुआ फिर जम्बु फिर नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया सहसार स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को में गया जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदी वर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे कहाँ गया पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ तदनंतर 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ भगवान ये भी भगवान हुआ रहे आगे इस महावीर भगवान ने क्या करा श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए उत्तर दिया 363 पाखंड मत चलाए हे भगवान हे परमात्मा। अब या जो पुस्तक है जैनियों द्वारा लिखी हुई है और हमारा जी जागरण पर यह सत्संग सलाह करता जैनी भी दिख गए क्यों दिखाओ सो इसने और यो बंद करवा दिया। अब ये बंद थोड़ा होगा ये तो विस्फोट होने वाला है जो बंद कराए काम चल रहा है। अब ये इन्होंने लिख रखा दास तो पढ़ के सुनावे हर ये निर्णय देता है कि ये साधनाएं ठीक नहीं है चलो अभी तक हमें पता नहीं तो हम तो इन तभी घटिया कराया करते। अब जब ऋषभ देव जी से सीधा नाम प्राप्त वेदों अनुसार साधना करते हुए उस मारीची वाले जीव के साथ की के दुर्गति हुई उसकी और आगे महावीर जैन बाद में बनायो वही आत्मा और उसने 363 पाखंड मत अपने मनमुखी बातें सुना ज्ञान सुना दिया तो इनकी साधना करके महावीर जी की आज्ञा की दुर्गति हुई होगी इससे भी भयंकर और उसके अनुयायी वर्तमान के जो उन्हीं अनुसार साधना कर रहे महावीर जैन जी की दी हुई साधना ही ये कर रहे इनका तो पता नहीं के हाल होगा। अब ये बुरा लग गया इन्हें यही ज्ञान सुनकर वो बेदक गए। अब दास का कहने का उद्देश्य ये है कि वो साधनाएं जो हम करते थे उससे ये प्रतिफल मिला और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 का सारांश है कि ये अच्छी आत्माएं परमात्मा के लिए घर त्याग कर चले गए महावीर जी मारीचि जी ऋषभ देव जी और भी महापुरुष बहुत से गोपीचंद भर्तृहरि जी लेकिन सच साधना ना मिलने से पूर्ण संत ना मिलने से या दुर्गति मिटी नहीं जन्म मरण का रोग कटिया नहीं। कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थो था बुछड़े किसाना गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जाण्या जग सारा रोग यारे। और परमात्मा कहते हैं कि सार शब्द सर जीवन बूटी और घिस घिस अंग लगावे कह कबीर तुम सत्कर मानो थारा जन्म मरण मिट जावे तो वो साधना क्यों ना करें या दुर्गति ना हो इतना सा उद्देश्य है दास का।
कि जब तक हमें ज्ञान नहीं था तुम इस घिसी पिटी साधना में लगे रहे थे, कर रहे थे, और अब हमें पता लग गया है तो क्यों ना इस सत्साधना को करें। आपने देख लिया ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना शिव जी को वेदों का ज्ञान, ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, ना सतयुग के ब्राह्मणान ज्ञान, नहीं तो वर्तमान के कलयुगों के ब्राह्मण किताब ने सुने ली कथा के जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस हुआ करते वो आज के ब्राह्मण हैं। परमेश्वर कबीर जी के साथ जो अत्याचार करवाए इन लोगों ने, हिंदुओं के गुरु ब्राह्मणों ने, मुसलमानों के पीर काजी और मुल्लाओं ने, ये राक्षस ही करा सकते हैं। जो हमारे साईंदास के साथ क्रोथा कांड करवाया ये राक्षस ही करवा सकते हैं। तो अब ये आचार्य लोग जो हैं, आचार्य कहो गुरु कहो चाहे ब्राह्मण कहो, क्योंकि जो मार्गदर्शन करते हैं उन्हीं के वही ये मिसगाइड किया करते हैं कि उनकी रोजी रोटी समाप्त ना हो जाए। तो ये राक्षस लोग हो ही कराया करते हैं ऐसे दुष्कर्म। तो परमात्मा और वही हमारे पुराण सिद्ध कर रहे हैं कि अवर्तमान के जो गुरु बने हुए ये तो राक्षस हैं। वो राक्षस जो सतयुग में राक्षस माने जाते थे आज के ब्राह्मण हैं, गुरु हैं। तो जो आज का प्रसंग था कि और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हम जो साधना ना कर रहे थे वो तो कति सो रहे थे, और जो कर रहे वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे वो भी हमारी माया की वो भांग पी रखी थी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार, पति भरता को मिले न खादी, ये सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, ये जैनी नंगे आंडे शर्म भी ना आती, ने इनके पाछ पाछ अनुयायी घूमते हैं सड़कों पर, शर्म नहीं आती, पशु तो बदतर जीवन इनका। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, इन पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवारे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहां सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या कर तेरे, मैं जो सत जो बता रहा हूं आप जी को, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, लेकिन ये गुरु लोग ब्राह्मण लोग आप जी को भ्रमित कर रहे हैं। मुझे तो कहें लबाड़ है, मुंह फटा है, पता नहीं क्या क्या बकवाद कर रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। और आज वही सदग्रंथ हमारे प्रमाणित कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी। तो परमात्मा कहते थे, कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन दन तेरा दरबार, निरंजन दन तेरा दरबार। सत साहिब परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग में पहुंचे। सत्संग में आने से इस प्राणी को पता लगता है कि मानव जीवन हमें किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ था। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते तब तक हम अपने दैनिक कार्य को, जो जैसा भी कर्म कर रहा है उसी को अंतिम क्रिया मानकर कर रहा होता है। सत्संग में आने से हमें ज्ञान होता है कि हम किस लिए संसार में मानव शरीर प्राप्त करके आए थे, इस मानव शरीर में हमें किस प्रकार की बुद्धि परमात्मा ने दी है, कैसे अंग दिए हैं, अन्य प्राणियों से हटकर ये एक विशेष शरीर हमें प्राप्त है, तो इसका काम भी विशेष ही है। हम केवल रोजी रोटी पेट गुजारे के लिए सारा दिन लगे रहें, इसी में सो झूठ बोलें कितने सत्य बोलें, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते रहें, और परमात्मा की साधना जो इसका मूल उद्देश्य है, परमात्मा की भक्ति ना करें, तो ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे अन्य प्राणियों, वो कर्म ऐसे हैं जैसे अन्य प्राणियों के। पशु पक्षी भी अपने बच्चों के परिवर्ष के लिए, पालन पोषण के लिए सारा दिन इधर उधर भटकते रहते हैं, और वही कर्म फिर मनुष्य भी कर रहा है। यदि वो सत साधना नहीं करता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, अन्य साधना भी करता है और वो शास्त्र विधि रहित करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में और पशु पक्षी के जीवन में कोई अंतर नहीं। इसलिए परमात्मा अप आके सतलोक से चल कर आते हैं, अमर लोक से चल कर आते हैं, और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान और अपने निज स्थान का ज्ञान वही कराते हैं। वो एक संत रूप धारण करके यहां रहते हैं। हमने परमात्मा को निराकार माना हुआ होता है, इन अज्ञानी अनाड़ी शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले संतों के अज्ञान से हमने परमात्मा को निराकार मान रखे। वो परमेश्वर यहां पर आए, उन्होंने स्वयं भी कहा हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, कह कबीर खालिक दनी मेरा नाम कबीर। उस परमेश्वर ने संकेत बहुत किया कि मैं खुद परमात्मा हूं, सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला मैं ही हूं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं जैसे कह रहा हूं तुम ऐसे करो, तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां कोई कष्ट नहीं। परमात्मा हमें बताया करते थे कि तुम यहां कितना कष्ट उठा रहे हो, किसी भी प्राणी को देख लीजिए, कोई व्यक्ति सुखी नहीं, और इस झूठे सुख में यदि कोई सुख मान रहा है तो कल का ना भरोसा कि बिजली गिर जा, क्या पता परिवार के साथ क्या अनहोनी हो जा, तो यहां सुख भी किस चीज को माने। नानक साहिब जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। नानक साहिब जी के पास भक्त श्रद्धालु गए, उन्होंने कहा कि हे महाराज जी, आप हमेशा
खोए खोए से रहते हो, जैसे आपको कोई बहुत बड़ी चिंता सता रही हो। आपको हमने कभी मुस्कुराते हंसते हुए नहीं देखा। नानक साहब जी ने कहा कि भाई यहां किस वस्तु के ऊपर मैं प्रसन्न हो, मुझे तो अपनी मौत दिखाई देती है। या सभी को जाना है और भक्ति ठीक बनी नहीं तो यही भ्रम भटक जाएंगे, इसलिए मुझे हंसी नहीं आती, मुझे मुस्कुराहट नहीं आती। ना जाने ये काल ये यहां का भगवान के जुल्म कर दे, किस प्राणी के ऊपर कब कर दे। 26 जनवरी सन 2000 भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस को का दिन खुशी से मनाया जा रहा था, उधर गुजरात के अंदर ये काल अपना कहर मचा रहा था, भूकंप आ गया और जो कोठियां बनाने में सारा जीवन जिन व्यक्तियों ने लगाया था उन्हीं कोठियों में वो सभी पूरा परिवार का परिवार मृत्यु को प्राप्त हुआ, लाखों की संख्या में। कहां तो खुशी मना रहे थे, टेलीविजन के आसपास मंडरा रहे थे, बैठे थे, कोई राष्ट्रीय गान गा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई कूद रहा था, कोई स्कीम बना रहा था शादी और ब्याह की, और एक सेकंड में इस काल ने के जुल्म कर दिया। भूकंप भूकंप आया, पूरा क्षेत्र जमीन में धस गया। अब सारे राष्ट्र में शोक व्याप्त हुआ। तो पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में जिसको हम सुख मान बैठे ये सुख नहीं है, ये भी हमारी भूल है। ना जाने काल की कर डारे, किस भी दिढ़ल जा पास आवे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासावे। या किसी को ये तो पता है नहीं कब के हो जा, लेकिन हमने हमारे अंदर ये त्रिगुणमयी माया का नशा है। इस भांग के नशे से हमने अपनी मौत दिखाई ना देती, हम भूल गए। अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है कि हम अभी नहीं मरेंगे, 80-90 साल में तो मरेंगे, मैं ही मौत आएगी, यहां नहीं भरोसा, कद आ जा मौत, एक पल का भरोसा कोई ना। नहीं भरोसा देह का ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो आवण हो क ना हो। एक भक्त ने बताया कि मेरा एक मित्र डॉक्टर था और आर्ट स्पेशलिस्ट, और उसको खुद को आर्ट की बीमारी, और उसकी दुकान इतनी अच्छी चली, दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, वह कोई संतान नहीं, 50 साल के आसपास उम्र उनकी, और उसको खुद की हार्ट की बीमारी। वो कह रहा था कि मैं उसके पास गया, ज्ञान चर्चा की, कोई संतान नहीं और पैसे का पता नहीं कितना था उसके पास। वो खुद कह रहा था डॉक्टर कि मेरे को अपने पैसे का खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कितना है, इतना पैसा है मेरे पास। तो उस भक्त ने कहा कि मैंने उसको कहा कि आप भक्ति करो, कुछ देर चर्चा की, कहने लगा या राम नाम की चर्चा मना अच्छी ना लगती, या चर्चा मत करा कर मेरे सामने, और बात बतला, और तेरा शर बतला है, बतला और के बतलाओ भगत। यहां कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जोर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे।
वो भक्त बता रहा था जी, फिर 6 महीने बाद वो डॉक्टर अचानक हृदय गति रुक जाने से, हार्ट अटैक होने से मर गया। आत्मा टेबलेट ले रहा, गिलास रखा मेज पे, और नो नहीं कर पाया, नो का नो हो गया। अब स्टार्ट लिया उस दन ने, और नो सोचा था मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा क्या होगा। सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा ही है, उसने जो लिख दी वो ही घटा बढ़ा सके है। जीव अपने तरीके से इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, यह भूल है उसकी। और उसने राम नाम की चर्चा कति नहीं सुभाव थी, क्योंकि दुनिया लूट ली, 2 रुपया की टेबलेट के 20-20, 50-50, 100-100 रुपये ले लेते हैं। एक बेड का रोज के 200-200, 400-400 रुपये, एक चक्कर लाओ इन्हों का 100 रुपये डेली चक्कर, और तुम टिंडे लेने हॉस्पिटल खोल लो चक्कर लाने के पैसे ले। तो इन्होंने तो पैसा लूटने से मतलब हो गया, और ज्ञान की कमी से प्राणी ऐसे जुल्म करता है। क्योंकि जब बालक अबोध होता है, छोटा बच्चा होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, अग्नि में भी हाथ दे देता है, कहीं तार टूट के गिरे हुए हों और लूज कनेक्शन हो, स्पार्किंग हो रहे हो, उसको आतिशबाजी जानकर, अच्छी वस्तु जानकर वो बालक जाकर पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अबोध बालक जिसको ज्ञान नहीं, वो सर्प को भी जाकर पकड़ने की चेष्टा करता है और उसको डस देता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बालक शाना हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फिर उसको पता लग जाता है कि ये सर्प है, बहुत भयंकर जानवर है, इसे दूर भाग लेना चाहिए। और बिजली के ऐसे कहीं स्पार्क हो रहा हो तो बड़ा होने के बाद उसको ज्ञान हो जाता है कि ये बहुत भयंकर वस्तुएं, से दूर हो ले। औरों को भी आगाह करता है कि दूर हो जाओ, देखो सामने तार टूटा पड़ा है। और पहले जब तक वो अबोध था उसको भी हाथ लगा लेता था, मर जाता। ऐसे ही जब तक हमें ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं है, तब तक हम अबोध बालक हैं। हम कुछ भी गलती कर सकते हैं जो हमें आने वाले समय बहुत भयंकर सिद्ध हो सकती है। और इस तत्व ज्ञान से हम इतने बुद्धिमान हो जावांगे, हमें डर लग जाएगा फिर कोई बुराई करते समय, चोरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे किसी प्रकार का, और किसी के आत्मा को नहीं सताएंगे। तो वो कह रहा था कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, और राम नाम कति निसुआवे। परमात्मा कहते राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। वो माया तो उसके पास रही नहीं, क्योंकि उसकी थी को ना, वो तो मूर्ख बना रखा था काल ने। और राम नाम कड़वा नो लगे था, तुलसी पिछले पाप से, हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भूखे विदा हो जावे। किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, जवर हो, टेम्परेचर हो गया हो, विशेषकर मलेरिया हो जाए, जब बिल्कुल नहीं सोया करे, या वायरल हो जाए, तो बुखार जवर जब हो जाता है तो प्रतिदिन खाने वाली रोटियां भी, सब्जी भी बिल्कुल नहीं खाई जाती, कड़वी लगती है, जीभ पर भी नहीं रखी जाती, जैसे उल्टी गिर जाएंगी। ऐसी स्थिति में आ जाता है ये शरीर। अब वो प्रतिदिन आहार करने वाली वस्तु पदार्थ, जो काजू किशमिश सेब संतरे, ये भी उस जबरग्रस्त प्राणी को कड़वे लगते हैं। अब बुखार ने, उस जबर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी खराब कर दी कि मीठा पदार्थ भी उसको कड़वा लग रहा है, महसूस हो रहा है। उसका ट्रीटमेंट क्या है?
अब उस बुखार को समाप्त करने का ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है? कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ेगी, कुनीन, और मन ना चाहे तो भी खानी पड़ेगी, फांके मारने पड़ेंगे, फिर वो बुखार उतरेगा, जबर कम होगा, धीरे धीरे आहार भी फिर ये स्वादिष्ट लगने लग जाएगा। और जब बुखार बिल्कुल उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तब वही रोटियां सूखी भी मिल जाए तो भी खा जाएगा, इतनी जोर की भूख लगेगी उसको, इतनी जोर की भूख लगेगी जब बुखार उतर जाएगा। और पहले उसने मनुखा दाख भी नहीं किया था, मेरे बिना खाई जाती, रख दे एक तरफ। तो पुण्यात्माओं, जिनके पाप रूपी जवर, जिनका पाप रूपी कर्मों से जिनका जवर हो रहा है, उनको ये राम नाम की चर्चा कति नहीं सुहावे। जैसे वो डॉक्टर कह रहा था, मना अच्छा नहीं लगती ये बातें, कोई और बतला ले। अब और भगत जी, भगत के पास नहीं होती, क्योंकि उसमें जो पहले का कुबाड़ भरा हुआ होता है भगत का, वो समाप्त हो जाता है और नई वस्तु उसमें सत्संग के माध्यम से फीड हो जाती है। फिर जहां भी वो जाता है, यही सोचता है इस प्राणी का उद्धार करवा दूं, इसको मालिक की चर्चा सुना दूं, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे पहले, हम भी ऐसे ही थे, भक्ति भी करते थे, क्योंकि आत्मा परमात्मा बिना रुक नहीं सकती। इसको उसकी चाह है, और मन जो है ये काल का एजेंट है, इसने यू नकली काम पर लाए रख है और नकली काम में यू सहयोग देता है आत्मा का। और वास्तविक जब भक्ति शुरू होती है तो योग अड़ियल घोड़े की तरह अड़के खड़ा हो जाता है और ना जाने कितने प्रश्नों उत्तर मन में उत्पन्न कर देता है खरपतवार। पहले हम जो भी साधना करते थे, देखम देखा क्या करते, भाई किसी ने मंगलवार का व्रत रख रहा है तो हमने पता लग गया मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हम करने लग गए। गीता जी का रोज पाठ करना चाहिए, वो भी करने लगे। शाला सर जाने से बड़ा लाभ होता, वहां भी जाने लग गए। श्याम जी की पूजा करते थे, बाबा श्याम जी की, भाई वो बड़ा अच्छा नो सुख देता है, वो भी करने लगे। किसी ने बताया कि वहां जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन कराओ, बेड़ा पार हो जाओ, वहां भी चले गए। किसी ने केदारनाथ बता दिया, किसी ने पिंडारे नानकी बता दी, पिंडारे में उस जोड़ में, वहां भी चले गए। नो ऑब्जेक्शन। और जब ये कहा गया कि ये साधनाएं गलत है, जिन परमात्माओं को तुम संपूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड मान रहे हो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, एकदम स्ट्राइक कर दी सुमन पापी ने। और 36 बकवाद, ना जाने कितने प्रश्न उतरी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, पहले कभी नहीं आया मन में। तो इस मन की यह खोटी आदत है, ये अच्छे काम पर तो लागे को नहीं, और डले डुआले सारे दिन ये कावड़ लेने जाते हैं। इनके इसे मोटे मोटे पैर हो जाए, सूझ के चलते चलते जो खड़ी कावड़ लाते हैं, पैदल चल के लाते हैं, और पाया में छाले पड़ जा, चला जाना पीड़ा हुआ है। कहते हैं भगत बता रहे थे, या पहले हम जब कावड़ जाते थे, वो कह रहे थे कि रास्ते में इतना पीड़ा हो जाती पैरों में, चला नहीं जा, पेन किलर गोली खा खा के फिर भी सफर खींचा। वहां यू ठीक राजी रहता है कि धक्के खा, और यूं कह दे भाई ये भक्ति ठीक को ना, बैठ कर भक्ति कर भगवान की, चलते चलते कर ले, बस में बैठ कर कर ले, काम करते करते ये नाम जपना है, कति कर कर राजी को ना, 2 घंटे बैठा दे के ले, बैठ कर माड़ा फेर ले, कति नहीं टक्के। एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, गुरु जी से, उसने बताया भाई तू जो है ऐसे ऐसे इस मंत्र का इतना जाप कर ले या किसी तक करवा दे, उसने पैसे दे दिए। अब ये इतने जाने थे, उसने ठीक है जी,
वो गया एक लेबर चौक पे, लेबर चौक पे उसने दो मजदूर पूछे, भाई चलोगे मजदूरी करोगे, कहाँ करांगे जी, काम बताओ क्या है। के काम भाई बताऊं, एक मंत्र है वो मंत्र बताऊंगा, उसका जाप करना है, इतनी माला जाप करनी 8 घंटे बस, और बढ़िया भोजन दूंगा, जब कहोगे चाह बना के दूंगा, हलवा खीर पूरी खिलाऊंगा। वो तो हो गया राजी, चल भाई चल, कितने दिन करवा होगा, 7 दिन अकोर से ना बुलाइए, हम आया करांगे हका जाए करी। वो दोनों गए, उड़ा नहा दवा दिए, नए चादर कपड़े लपेट दिए, उन्होंने कहा कि ये बैठ जाओ। अब वो मंत्र ने एक आधे घंटे तक करे वो माला जाप, देखे एक घंटा आधा घंटा ना, दोनों उठ के चल पड़े। ना मिला रहा क्या बात होगी, ना भाई मारा बस का कोई ना, यार 8 घंटे क्यों पूरे होंगे। उड़े डले डाढ़ होए, फिर उल्टे लेबर चौक पे जा खड़े हुए, सारा दिन वो मसाला डोया सिर पे, वो कर लिया लेकिन वहां ना बैठा गया। तो इस मन की खोटी आदत है। तो ये जो साधना आपको बताई गई है बिल्कुल आरामदायक है, यही हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये काल कह रहा है ब्रह्म कि अर्जुन तू मेरी भक्ति भी कर, मेरा भजन भी कर और युद्ध भी कर। और यही सदग्रंथों में प्रमाण है, सूक्ष्म वेद में प्रमाण है, परमेश्वर ने आकर बताया है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। परमात्मा की भक्ति चलते फिरते उठ बैठ के अपना काम करते करते, सूचा उठ जब सोन लगे तब मालिक का मंत्र करता हुआ सो जा, मनमाने सपने में भी सिमरन होता रहे। तो ये है वो यथार्थ। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम नाम का जाप, ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, ओम नाम के जाप को काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरन करो। यानी जिस भी इष्ट की आप साधना करते हो, नियम एक जैसे ही है। जैसे बच्चा खेल क्या खिलाड़ी है, वो जिला स्तर पर खेलता है तो भी उसके नियम वही हैं, और स्टेट यानी राज्य स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो भी नियम वही है, उसी प्रकार के होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर खेलता तो भी नियम वही है। तो ऐसे ही जिस भी इष्ट की तुम साधना करोगे उस स्तर की भी साधना, उनमें वही नियम है, और पूर्ण परमात्मा की साधना करोगे तो भी यही साधना के नियम है। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भी कहा कि अर्जुन तुम नाम ना भूलना, नाम भी सुमर भक्ति भी कर और युद्ध भी कर। तो पुण्यात्मा हम साधनाएं गलत किया करते थे, इस मन को ये अच्छी साधना सच साधना नहीं सुहाती, अच्छी नहीं लगती। परमात्मा चाहते हैं कि ये आत्मा स्वयं परिचित हो इस ज्ञान से, और उसके बाद फिर ये आत्मा इस मन की नहीं मानती, आत्मा मन का बिल्कुल विश्वास नहीं करती, फिर अपने गुरुदेव के वचनों पर ही दृढ़ होकर के अपना जीवन सफल करते हैं। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे वो हमारे को सत्साधना बताने के लिए, और वो परमात्मा सभी धर्मों के अनुयायियों को ज्ञान बताया करते थे। हिंदुओं को कहते थे कि जो साधना तुम करवा रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है,
मुसलमानों को भी कहते थे जो साधनाएं तुम करते हो ये कंप्लीट नहीं है, और इसके साथ साथ तुम मांस आदि खाने का, जीव हिंसा करने का, धार्मिकता में समावेश किए हुए हो ये भी गलत है। वो परमात्मा कोई और है, उसके विषय में न तो आपके हजरत मोहम्मद जी को पता था। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि वास्तविक भक्ति और पूर्ण परमात्मा के विषय में आपके मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भी अपरिचित थे, और पूरा मुसलमान समाज भी उस यथार्थ भक्ति से और मोक्षदायक परमात्मा से अपरिचित है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक 59 तक ये स्पष्ट किया है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह को पूरा मुसलमान धर्म पूर्ण परमात्मा मानता है, अपना गॉड मानता है, अपना भगवान मानता है, हजरत मोहम्मद जी का खुदा मानता है। और वो खुदा कहता है, कुरान शरीफ के बोलने वाला खुदा कहता है कि हे पैगंबर, तो इन काफिरों का क्या ना मानना। काफिर वो बताए हैं जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं, तो वो आन उपासना कर रहे हैं, इनकी बातें तू मत मानना। और मैं जो तुम्हें तुझे इस कुरान की शरीफ के अंदर दलील दे रहा हूं, मेरी इन बातों पर, तो मेरे वचनों पर विश्वास करना, और उस कबीर नामक अल्लाह से के लिए, उस कबीर अल्लाह के लिए तू संघर्ष करना, जिहाद करना। जिहाद में झगड़ा नहीं, कि वो नहीं मानते हैं कि कबीर गॉड है, तू भी उनकी बातों को ना मानना कि कबीर गॉड नहीं है, कबीर अल्लाह नहीं, इतनी सी बात है। फिर कहा कि ये वो परमात्मा है जिसने सभी को ये सब व्यवस्था करके दी है, सारी सृष्टि की रचना की है, और ये परमात्मा अपने भक्तों के पापों का नाश कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है, और ये वही परमात्मा है, ये वही परमेश्वर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और इस परमात्मा की खबर, इस परमात्मा के बारे में जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते, सच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और सच ना पूरा पावते ये झूठो जगपति आई हो। अब सच ही कहूं तो जग मारन दावे, अगर मैं सच ही कहता हूं तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठ मैं कह नहीं सकता। तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा खुदा खुद कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, कबीर नामक। मुसलमान धर्म में इस कुरान शरीफ में जहां कबीर और खबीर शब्द लिखा है, उसका अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, कबीर माने बड़ा। देखो, कोई भी नाम है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलाएगा, कुछ भी निकाल सकते हो। तो वो उसका सीधा संकेत है कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने वेल नोन तत्वदर्शी संत से पूछो। पुण्यात्माओं, अभी तक यही समस्या हल नहीं हो पा रही थी कि वो कंप्लीट गॉड है कौन, वो पूर्ण परमात्मा है कौन, और कैसा है, कहां रहता है, किसने देखा है, उसके पाने की प्रॉपर
विधिवत कौन सी विधि है, तो ये इन प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता है, फिर मोक्ष में कोई देरी को नहीं। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर इस दास के पास है, परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया है, मेरे सदगुरु जी गुरुदेव महाराज ने हमें मुझे बताया और हमारे सब सदग्रंथ उसको समर्थन दे रहे हैं इस विधि और इस परमात्मा की। अभी तक जिससे भी हम पूछा करते थे, जैसे हम विष्णु जी के उपासक थे और हमारे गुरु लोग भी विष्णु जी के उपासक थे, उनसे पूछते थे भगवान कैसे मिले कि ध्यान लगाओ मेडिटेशन करा करो, परमात्मा कैसा है को दिखाई थोड़ा देता है। तो हम तो पहले कति ब्लाइंड फेथ था हमें और वैसे अबोध थे, ठीक है केवल प्रकाश देखा जा सकता है भगवान का, अंदर प्रकाश देखो। अरे विष्णु जी की मूर्ति बना रहे, श्री कृष्ण जी की पूजा करें और भगवान निराकार बताओ, फिर वो कृष्ण जी विष्णु जी को किस लिए ले रहे थे साथ में, जब वो साकार हैं वो तो उनकी मूर्ति है तो निराकार, फिर भी हम निराकार मान्या करते क्योंकि बिना ज्ञान के बालक की बुद्धि इतनी ही होती है। अब सब ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परमात्मा कैसा है। अन्य कहते निराकार, ये दास कहता साकार, तो ये फैसला कौन करे, हमारे सदग्रंथ करेंगे। मान लीजिए किसी केस में किसी ने धारा गलत लगा दी या ऐसी भी लगा दी, या वैसे कोई कहता है कि इस जुल्म पर, इस प्रकार के अपराध पर एक एडवोकेट कहता है कि इस प्रकार के अपराध पर, और मान लीजिए 198 धारा लगती है संविधान की, दूसरा कहता नहीं इस पर 204 लगती है, तीसरा कहता नहीं इस पर 206 लगती है, कोई कुछ कह रहा है, यानी भिन्न भिन्न धाराएं बता रहे हैं, तो इसका फैसला कहां से होगा, संविधान करेगा, उसमें वर्णित उसकी डेफिनेशन बताएगी उस क्राइम की और वो सबको मान्य होगा, फिर फैसला हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सदग्रंथ ये विधान है प्रभु का, ये कॉन्स्टिट्यूशन है उस गॉड का, और इसके अंदर जो लिखा है वो फाइनल होना चाहिए, है मानना चाहिए। तो इन सदग्रंथों में परमात्मा साकार लिखा है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यहां थोड़ा सा हिंट देंगे क्योंकि प्रत्येक सत्संग में श्रोता बदलते रहते हैं, कोई रात्रि में सुनता है, कोई दिन में सुनता है, काल के इस जाल में हम ऐसे फंसे हुए हैं, पूरा परिवार भी एक समय नहीं आ पाता है, कोई घर पे रह जाते हैं, कोई अगले दिन आते हैं। दास का उद्देश्य है कि प्रत्येक को परमात्मा का ये अमृत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान रह रहकर सुनाऊं, एक तो ज्ञान यज्ञ का फल मिले और फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित होकर आत्मा फिर भटक नहीं सकती, और जब तक हम भ्रमित रहेंगे तो हम भक्ति कर नहीं सकते, हम भगत भी नहीं बन सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक परमात्म तत्व के ज्ञान पर, यानी पूर्ण परमात्मा के उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तुझे साधना प्राप्त होने योग्य तू होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। और यदि जैसे हम कोई कहता इधर जाओ, कोई कहता इधर जाओ, इधर है हिसार, कोई कहता इधर हिसार, तो जब हम निर्णय करके सफर करेंगे तभी तो हम यात्री बनेंगे। और हम इधर चल रहे हैं, कह रहे हैं जा रहे हैं हम नरवाना को, कह रहे हैं बरवाला से हम हिसार जाना है, तो हम बरवाला के पथिक नहीं, हम हिसार नहीं जा रहे हैं, हम हिसार पंथी नहीं है और कह रहे हिसार पंथी। तो ऐसे ही हम अपने परमेश्वर को पाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए,
उसी मार्ग को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस मार्ग से हमें मोक्ष प्राप्त हो, तो उसका निर्णय पहले करके फिर ही सफर करना चाहिए। तो आप जी के समक्ष ये सभी प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए किए जाते हैं कि आप जी फिर भ्रमित ना हो सके। कबीर परमेश्वर जी पहले वर्बली कहा करते थे, लेकिन इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने पीरों ने परमात्मा को मूर्ख बताया और जनता को उस परमात्मा तक जाने नहीं दिया, और जो चले गए उनको भी भ्रमित करते रहे क्योंकि उस समय हम अशिक्षित थे। और ये सदग्रंथ पढ़ने का आदेश किसी व्यक्ति विशेष को ही होता था, जैसे संस्कृत पढ़ने का आदेश अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था। और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध थे। उधर से जो मुसलमान धर्म के अंदर भी शिक्षित लोग बहुत ही कम होते थे, ये काजी मुल्ला ही पढ़ा करते थे, यही आगे जैसा इन्होंने समझाया सदग्रंथों को वैसा ही आगे समझाया करते थे। आप जी ने गीता जी में देखा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, उसमें कहा कि जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी उस तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी बताई है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनको प्रसन्न से प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, फिर तू ऐसे भक्ति करना जैसे वो बतावें। इससे सिद्ध है कि गीता जी के ज्ञान से कोई अलग ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, और उस गीता ज्ञान दाता से कोई और कंप्लीट गॉड है। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें श्लोक में खुद कहा गीता ज्ञान दाता ने कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेत की तरह, और इस ब्रह्म का ओम नाम है, ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक जाते हैं, प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी ये सभी लोक पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए प्राणी फिर भी जन्म मृत्यु में आएंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो इसे सिद्ध है कि वो गॉड भी और है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और उसके बारे में जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-59 में ये कति कंप्लीट है, कति क्लियर कर रखा कि वो कबीर नाम का परमात्मा है, उसको ये काफिर यानी अन्य दो साधक ये नहीं मानते, ये तो वो अन्य पूजाएं में लगे रहते हैं देवी देवताओं की में, इनकी बाता में बताना इस कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, और ये वही परमात्मा जिसने सबको ये तुम्हें जीवन दिया है, शरीर दिया है, इसने सारी सृष्टि रची है, और ये अपने भक्तों अपने बंदों के अपने उपासकों के पाप कर्मों से खूब परिचित है, तुम्हारे पाप का नाश भी कर देता है। ये वही परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं परमात्मा कैसा है। अब सबसे पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल्स में और पवित्र कुरान शरीफ में ये दोनों मिलकर स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, और यही पवित्र वेद बताते हैं। अग्ने तनोरसी विष्ण वेतवा सोमस्य तनोरसी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है। अग्ने माने परमेश्वर,
तनो माने सह शरीर, असी माने है परमात्मा, सह शरीर है, साकार है। और विष्णुवे त्वा सोमस्य, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस परमात्मा का शरीर है। जैसे स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 5 वर्ष के बालक जुलाहे के रूप में उनके सामने बैठे थे, फिर उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, समाधि लगवाई, ऊपर जाकर देखा रामानंद जी ने कि यही परमात्मा दो रूप धारण किए हुए हैं, सचखंड के अंदर सतलोक के अंदर ये बैठे हैं, एक बहुत बड़े विशाल तख्त के ऊपर बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है सफेद, और ऊपर सफेद छत्र है परमात्मा के, सिर पे मुकुट विराजमान है। और वहां जाकर के कबीर छोटे जो बालक रूप में थे, ये तक सिंहासन पर विराजमान हो गए, और वो दूसरा रूप इन्हीं में समा गया, अकेले कबीर 5 वर्ष के बच्चे पूरी दुनिया के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान देखे। ओए होए, तब रामानंद जी की समाधि वापस की, उनका मेडिटेशन भंग हुआ, सामने फिर बैठे हैं वो 5 वर्ष के बालक, और ऊपर देखे थे वो सतलोक के अंदर सिंहासन पर वही विराजमान थे। तब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया, एक से दो, और गरीब दास हमकार ने आए हो तुम मगजो। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार। अपुन आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये वर्णन दिया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। और जो संत इसको सब विभाग से ही बता देगा, कौन तना किसको कहते हैं, डार किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं, पत्ते क्या है, सवेदवित वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है वो तत्वदर्शी संत है। फिर उस तत्वदर्शी संत की के मिलने के उपरांत उससे ज्ञान समझने के पश्चात इस अज्ञान रूपी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट गए, उसके पश्चात उस परमात्मा के उस परमपद को की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट के संसार में कभी नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।